अंग्रेजी के बारे में आप बचपन से सुनते पढ़ते बोलते आ रहे हैं ना. सो व्हाट इज इंग्लिश? द फर्स्ट थिंग इट इज रिलेटेड टू द पीपल ऑफ इंग्लैंड. देन वी विल टॉक अबाउट द इंग्लैंड व्हिच रियली मींस द प्लेस ऑफ इंग्लिश पीपल. ओके. The first thing we should know about English word is not jaba. Chitowai che angrezi o jaba da. It is used for the people of where? England. Basically. Now then we divide England. Like what do we know about United Kingdom? Kingdoms versus Great Britain. नाम सुने हैं? ग्रेट ब्रिटेन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, और आप लोगों ने यूनाइटेड किंगडम्स का भी नाम सुना होगा. यूनाइटेड किंगडम्स में हमारे पास फोर स्टेट्स है, कंट्रीज है. एक आयरलैंड है, नॉर्दर्न. एक स्कॉटलैंड है, एक वेल्स है, और एक इंग्लैंड है. ये हमारे पास किंगडम्स है, यूनाइटेड. ओके. देन वी टॉक अबाउट ग्रेट ब्रिटेन, जिसमें सिर्फ ये तीन ममालिक है. इन दोनों के बीच फिर पानी है, समंदर है. नॉर्दर्न एंड साउदर्न आयरलैंड जो है वो अलग है. तस बवरदली विच इंग्लैंड तलाड उस आयरलैंड थे वावड़े दी अलता एजाइलम वगैरह था अप्लाई ओवर एटसेट्रा एटसेट्रा. तो ये यूके में आता है ओवरऑल, लेकिन ये फिर किंगडम्स में नहीं आता. समझ गए? सॉरी, यूनाइटेड किंगडम्स में ये आता है, लेकिन ये ग्रेट ब्रिटेन में नहीं आता. सो बेसिकली जो अंग्रेज है वो इन तीन ममालिक से रिलेट करते हैं. सो द पीपल ऑफ स्कॉटलैंड, द पीपल ऑफ वेल्स एंड द पीपल ऑफ इंग्लैंड इज व्हाट डू वी कॉल देम? इंग्लिश पीपल. समझ गए? एक हुआ ये चीज. दूसरा, इट इज रिलेटेड टू The culture. Mungwayu che Pakhtunde. Bia mungwayu che Pakhto Jabara. Bia mungwayu che the Pakhto Sakafate. Nushe kalata da ghe the Sakafat or the Tamadun or the culture or the festivals or the norms and cultures wagara khabara ke. You are talking about English. We say it's an English culture. Ye angrezi ki sakafat ya. कल्चर है. समझ गए? तो इस वर्ड का जो दूसरा रिलेटेड वर्ड है वो क्या होना चाहिए? कल्चर. द थर्ड थिंग इज लैंग्वेज. जाहिर खबर अदा चित पख्तून है, सब बवाए पश्तो बवाए पख्तो बवाए. सो इट इज ऑल्सो अ लैंग्वेज. इंग्लिश के बारे में वी लर्न थ्री थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द पीपल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. ग्रेट ब्रिटेन में ये तीन ममालिक रहते हैं. अब इनकी हिस्ट्री पे हम नजर डालेंगे कि अंग्रेजी बेसिकली कहां से आता है वगैरह वगैरह. सेकेंडली वी टॉक अबाउट द कल्चर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. ओवरकोट्स, केप्स, मूंछ कभी छोड़े कभी नहीं, शेव किया, टाई वगैरह बांधना, ये सब कुछ अगर अमेरिका में जाता है बिकॉज ऑफ ग्रेट ब्रिटेन यूके. सही था? द इंग्लिश, द खल्क रिवाज का वो दुनिया में जहां भी है वो इंग्लिश पीपल रिवाज है. थ्री पीस वगैरह अगर ये ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, कहां से गया है जी? इधर से गया है. बेसिकली अंग्रेजी जो लैंग्वेज है पूरी दुनिया में, वो अमेरिका में हो, अमेरिका इज द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन लैंग्वेज कहां से गई है? इंग्लैंड से गई है. कनाडा में हो कहां से गई है? ऑस्ट्रेलिया में हो, हिंदुस्तान में आई हो, फिलिपीन में गई हो, या फिर पुर्तगाल या जो भी ब्राजील में, जहां भी इंग्लिश जुबान बोली जाती है वो इन लोगों से. और इन लोगों का मैंने कहा कि बेसिकली ये जो इलाका है इंग्लिश पीपल का, इंग्लैंड, इधर से ये सब कुछ गया है. कल्चर की अगर आप लोग बात करते हैं, थ्री पीस की, ये कोर्ट है, ये हाई कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट है, ये कर्नल है, ये ब्रिगेडियर है, ये मेजर है, ये भी इन ही लोगों से गया है. और लैंग्वेज भी आप लोग समझ गए. इसमें फिर फैक्टर्स हो सकते हैं. अगर आपसे कोई कहे कि हु इज इन इंग्लिश, या आपसे कोई कहे कि आई एम इन इंग्लिश, तो इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा अंग्रेजी जबायम. इसका मतलब है कि आई एम द पर्सन हु इज फ्रॉम इंग्लैंड. अमेरिकन
would be speaking English, but he can't say that I am English. American अंग्रेजी बोलेगा लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि वो अंग्रेज है. अंग्रेज एक और चीज, बाज़ लोग कहते हैं कि he is not a Muslim, he is अंग्रेज. मुसलमान नहीं दे अंग्रेज दे. अंग्रेज इज जस्ट द नेशन. मजहब जानता चीज दे. अंग्रेज मुसलमान नहीं के दे. इंग्लिश वाईगा ना. तो दिस इज समथिंग एल्स. रिलीजन इज समथिंग एल्स. लेकिन इफ यू टॉक अबाउट द कॉम एंड ट्राइब एंड वगैरह कास्ट, तो फिर आप जब पीपल के बारे में बात करते हैं, बेसिकली आई एम इंग्लिश, बेसिकली मैं इंग्लैंड से ताल्लुक रखता हूं, उधर का पैदावार हूं. सेकेंडली कल्चर, इट्स एन इंग्लिश कल्चर. फॉर एग्जाम्पल, इट इज एन इंग्लिश कल्चर. देखा ना दे. हाँ, मुसलमानों के तो ये नहीं थे, या ना हिंदुओं के थे, ना एशियन लोगों के थे. हम तो अरबी नहीं है ना, हम तो बेसिकली अफगानी है, या इधर एशिया के लोग रह गए, इस्लाम उधर से आ गया. इस्लाम इज एन आइडियोलॉजी, लेकिन अरबियन आर डिफरेंट पीपल, वी आर डिफरेंट नेशन. सही था. दाशांत अंग्रेजान आर डिफरेंट. तो ये चीजें मैं उधर से ले चुका हूँ, ये चीजें मैं हिंदुस्तान से ले चुका हूँ. इस तरह का स्टाइल इन द वे आई स्पीक और इम्प्रेस और पश्तो में बोलता हूँ, वो अपने कल्चर और सकाफत और जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपने कल्चर को बढ़ा रहा हूँ. तो आई एम अ मिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ कल्चर्स विद द लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड. तो जब हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, इसमें बेसिकली ईच एंड एवरी लैंग्वेज वी हैव थ्री डिफरेंट थिंग्स. हर जुबान में आपके पास तीन जरूरी चीजें होंगी, तीन जरूरी चीजें होंगी. सबसे पहले लैंग्वेज, जो भी जुबान हो उस तीन हिस्सों में उसे तकसीम करते हैं लोग. पश्तो की एग्जाम्पल लेते हैं, उर्दू की एग्जाम्पल लेते हैं. उर्दू जुबान अकमला मुंगवायु का ना, जब हम उर्दू जुबान पढ़ते हैं, सबसे पहले ये जुबान बोलने वाली एक चीज है जिसे हम अंडरस्टैंड करते हैं, कन्वर्स करते हैं एक दूसरे के साथ, मैंने किसी को समझाना है. सेकेंडली हम उसके अदब पे फिर बात करते हैं. वी हर अबाउट गालिब. गालिब का नाम सुना है ना, तो उन्होंने क्या किया था? उर्दू को ईजाद किया था, उन्होंने ग्रामर में काम किया था, शायरी थी ना, तो हम उसके लिटरेचर पे बात करते हैं. जो भी उसके रोमानवी अदब है, क्लासिकल अदब है, मोहब्बतें है, शायरिया है, नॉवल्स है, उसकी कहानी है, सकाफत है, उन्होंने किसी रिलीजन मजहब पे बात की है, हम उस चीज को टच करते हैं. ये भी उर्दू से रिलेट करता है. द थर्ड थिंग इज द ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज. पहले तो हम जुबान सीखे, पहले हमने जुबान बनाई, अलग तो उदय पहले हमने जुबान बनाई या ईजाद की या इधर उधर से कॉपी की, फिर उसके बाद हम उस लैंग्वेज के पॉइंट्स पे बात करते हैं कि ये जुमले हमने कहां से लिए है, ये वर्ड्स हमने कहां से लिए है. आप लोग जब केमिस्ट्री या बायो की स्टार्ट में डेफिनेशन पढ़ते थे, तो उसमें कहते थे ना कि ये केमिया से निकला है और ये लैटिन वर्ड है और ये उधर से आया है, इधर से आया है. ये अंग्रेजी में जब इस्तेमाल होता है, तो फिर हम उसके ओरिजिन में क्यों, ओरिजिन ऑफ वर्ड जिसे कहते हैं, उसके ओरिजिन में हम क्यों जाते हैं. समझ गए? सो जब हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, सबसे पहले हम वो चीज जो बोली जाती है उस पर बात करते हैं. ठीक था. हम इसको सिर्फ स्पोकन तक महदूद करते हैं और लिसनिंग तक महदूद करते हैं. सेकंडली हम इसके लिटरेचर पे बात करते हैं, जिसको हम अदब कहते हैं. इस तरह मैंने गालिब की एग्जांपल दी, इसी तरह आप लोगों ने यू मार हैव हर्ड अबाउट शेक्सपियर एज वेल. शेक्सपियर का, टी एस एलियट का, जॉन कीट्स का, विलियम वर्ड्सवर्थ, आप लोगों ने फर्स्ट सेकंड ईयर में पढ़े होंगे पॉइंट्स. एस टी कॉलरिज है, या एफ पॉइंट जो रुडयार्ड किपलिंग वगैरह ने लिखा है, वो आप लोग पढ़ चुके हैं. तो हम उसके अदब पे बात करते हैं. अगर कोई जुबान मेरे पास है और मैं उसे इस्तेमाल करता हूं, आप लोगों ने अपने नाना नानी दादा दादी से ऐसे गाने सुने होंगे जो रेडियो वगैरह में आप लोगों ने नहीं सुने होंगे, जड़े ठपे वगैरह, लेकिन वो सिर्फ बोलने ओरल फॉर्म में थे. आपको छियानो ठकर हो खेर रखो लिखल शेर गजली, उसको हम ओरल लिटरेचर कहते हैं. उस्माना क्या कहते हैं, जो लिखने के फॉर्म में ना हो, उन्होंने अपने फादर से या दादा से या दादी से सुने होंगे वो चीजें. ठीक है, लेकिन वो आपके जज्बात या एहसास के साथ अटैच करते हैं. अब इसमें हम सिर्फ वो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं. मैं जब उर्दू में कोई शेर वगैरह पढ़ूंगा या गाऊंगा या बनाऊंगा, तो उर्दू लैंग्वेज का मैं सिर्फ इसमें इस्तेमाल करता हूँ. ग्रामर को मैं देखता हूँ, मुझे लैंग्वेज आती है ना, तो मैं उसमें बोलूंगा. फिर पॉइंट्स को मैं नहीं देता कि ये मक्ता है, ये मतला है, ये है. फिर अरे शाह साहब वो चीजें करेंगे आप लोगों के लिए. मैं तो शायर होके पंख के नीचे बैठ के वंगा वंगा करके सिगरेट हाथ में जला के किसी फिल्म की कहानी लिखूंगा, उस पर फिर क्रिटिक्स आएंगे, उस पर क्रिटिसिज्म करेंगे. मैंने अगर बुक लिखी है किसी पहाड़ में बैठ के, रिक्शे में बैठ, जहां भी मैंने कुछ लिखा है, दैट इज ओनली रिलेटेड टू माई माइंड सेट. समझ रहे हैं? फिर लोग उसे डिस्कस करते हैं.
The third thing is linguistics. इसको हम क्या कहते हैं? और linguistics को traditional grammar वगैरह भी कहते हैं कि इस जुबान की study क्या है. अब linguistics में हम जुबान की भी study करते हैं और इसकी भी study करते हैं. जब आप लोग कहते हैं कि special grammar class है या grammar class है या ये class है या वो class है, इन classes की जब हम बात करते हैं वो हम असल में linguistics पढ़ते हैं या traditional grammar पढ़ते हैं. ठीक शुभा जी, आई होप के इट इज ऑल्सो अंडरस्टूड के लैंग्वेज इंग्लिश को हमने डिवाइड किया तीन में. पहले लैंग्वेज की बात हुई कि इन लोगों ने इसे कैसे फाइंड आउट किया है. फिर हमने ये बात की कि इसमें बुक्स, नॉवल्स, ड्रामास, फिल्म्स वगैरह, शायरी वगैरह लिखे गए होंगे, वो लिटरेचर में आ गया. लिंग्विस्टिक्स में द स्टडी ऑफ लैंग्वेज आता है. चलक था ऊवेल जो शेक्सपियर. वट इज द ऑरिजन ऑफ द वर्ड शेक्सपियर? कम से नरा वाले दे कि मिस्ट्री कहां से आया है, लिटन वर्ड है, क्या मतलब है इसका. बायो, लॉजी, लॉजी इसका वर्ड है, लॉजी का मतलब है स्टडी. तो अंग्रेजी इज नॉट समथिंग चाहगा कसान अटुलशुल, एज आई हैव सेड अर्लियर, कसान अटुलशु उस्मानवी जमा तरफ आपके दा अल्फाज वाले और द अकमल तरफ आपके दा वाले और मुंगे जुबान ना जोड़ को दस है ना जोड़ेगी. हाँ, नाउ वी विल डिस्कस अ बिट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश. अब हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते हैं, कहां से आई है ये चीज. ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, ब्रीफली ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. सबसे पहले जब वी टॉक अबाउट द प्लेस जिसको हम इंग्लैंड के नाम से जानते हैं, जो कि है ग्रेट ब्रिटेन, जिसमें ये तीन ममालिक है. कौन कौन से थे मैंने अभी आप लोगों को बताए, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स. वेल्स कितने कौमें थी इसमें? तीन. एक इंग्लैंड है, दूसरा वेल्स है और तीसरा स्कॉटलैंड है. अब यू शुड ऑल्सो नो कि अगर ये वेल्स है तो उसमें अंग्रेजी नहीं है, देयर इज नो इंग्लिश. अब हम 28 या 30 एडी में गए हैं, आज से 2000 साल पहले. समझ गए, अंग्रेजी का कोई वजूद नहीं है. इमेजिन करें, वी आर इन वेल्स, तो वेल्स में लोग वेलिश लैंग्वेज बोलेंगे, जाहिर सी बात है. फॉर एग्जाम्पल, वी आर लिविंग इन पाकिस्तान, बलोचान बसवाई, बलोची बवाई, पुख्ताना बसवाई, जस्ट लाइक दिस. स्कॉटलैंड में लोग क्या बोलेंगे? स्कॉटिश अभी तक बोलते हैं. स्कॉटलैंड में लोग स्कॉटिश अभी तक बोलते हैं. वेलिश, वेल्स में लोग वेलिश अभी तक बोलते हैं. इधर के जो आबाई लोग हैं उसको हम केल्ट्स कहते हैं. क्या कहते हैं? और इन लोगों का जो अपना लैंग्वेज है केल्टिश या केल्ट, वो भी एक लैंग्वेज है. तो ग्रेट ब्रिटेन में हमारे पास कितने लैंग्वेजेस हुए? हम पाकिस्तान में है, उर्दू को निकाल दे, बलोची, सिंधी, पंजाबी, पश्तो, सराइकी, चतराली और गिलगिती वगैरह. फॉर एग्जाम्पल, नजादमसरा द्री लैंग्वेजेस दी. अब 28 एडी को रोमन्स आ जाते हैं और इस इलाके पे टूट पड़ते हैं, कब्जा करते हैं. सो 28 एडी के बाद हमारे पास चौथी एक लैंग्वेज जमा हो गई. कौन सी? रोमन. इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश चलता दे. रोमन आ गए. आप लोगों पे अगर कोई हिंदी या अंग्रेज जिस तरह हिंदुस्तान पे आए थे, अंग्रेजी के असरात अभी तक है कि नहीं? तो जब रोमन्स आएंगे, अगर हिंदुस्तानी इधर अफगानिस्तान पे काबिज होंगे या उज़्बेकिस्तान पे काबिज होंगे, हिंदी के असरात उधर होंगे कि नहीं? कैसे देखा ना, अरबी के इवन 712 में मोहम्मद बिन कासिम आता है, तच वो जुमा तलाड से मुलाना था पोसू के मुला, आपको अंग्रेजी ज्यादा पसंद है कि अरबी, वो क्या कहेगा? तो अरब के असरात है कि नहीं है? सही रीजन बदल गई, इस्लाम असरात खुशबुल का ना. मैं अगर कहूंगा, मैं कहूंगा आई लव अरबी, लेकिन इंग्लिश इज इजी. समझ गए, अंग्रेजों के असरात हुए. और कहते शाह उर्दू खाई रफशाना था, अरे शाह बदल तो हुई, उर्दू सबसे मीठी जुबान है. खुश हुए अखवाई का ना. तो ये हो गए चार जुबानें हमारे पास. कितने जुबानें? एक पॉइंट अपने जहन में स्टार्ट से रखिए. जुबानें दो वजूहात से बनती है या जन्म लेती है. एक, जब कोई कौम आप मुसल्लत हो जाए और आपको बीट करे, मारे, लड़ाई करे, कब्जा करे, आप उसकी जुबान को एडॉप्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जो पश्तो वायम और आप लोग पंजाबी है या उर्दू स्पीकर है, मैंने इस क्लास पे कब्जा किया और आप लोगों ने मगलूब होके मेरी ताकत को मान लिया कि यस वी सरेंडर. तो फिर मैं पश्तो बोलता हूं, तो
तो जब मैं आप लोगों पे गालिब आ जाऊंगा, आई वॉज सेइंग कि अगर ये एक इलाका है, मैं पश्तो बोलता हूँ, आप सब पंजाबी या बलूची वगैरह है, और मैं आप लोगों पे कब्जा करूंगा और आप लोग मेरे मगलूब होंगे, मैं गालिब होऊंगा, तो आप लोग पश्तो बोलेंगे या मैं पंजाबी बोलूंगा? क्योंकि आसमाने मैंने कब्जा किया आप लोगों पे। तो जिस तरह अंग्रेज आए थे 1770 के बाद ईस्ट इंडिया चिकला अंग्रेजान बिजनेस और बल सौ मुंगते फ्रेश खोली दी और पैसा वावर सरा तकड़ा दी एजुकेटेड दी। हम अंग्रेजी सीखने लगे के नहीं? हिंदी इज एन ओल्ड लैंग्वेज और बहुत मीठी जुबान है। उर्दू पुरानी जुबान है, मीठी जुबान है। पश्तो थी, बलोची थी, सराय की थी, तो फिर हमें अंग्रेजी सीखने की क्या जरूरत थी? वो गालिब हो गए थे। पहला रीजन, जुबान बनाने या पैदा करने या नया जॉब जब एडॉप्शन होती है नई लैंग्वेज की, वो होती है कब्जे के थ्रू या जंग के थ्रू। दूसरा होता है बिजनेस के थ्रू। समझ गए? ये दो रीजन होते हैं। मैंने कहा कि चार लैंग्वेजेस 28 AD तक आ गए। 28 AD में रोमन और ग्रीक, आप लोगों ने अगर अफलातून और अरस्तू वगैरह का सुना था, ये पूरी दुनिया पे कब्जा कर रहे थे ये दो कौमें, ग्रीक के बाद रोमन से। ये लोग 450 AD में नॉर्मनिक ट्राइब्स इस पे आ गए, जर्मनिक ट्राइब्स जिसे हम नॉर्मन्स वगैरह कहते हैं। तीन ट्राइब्स थे, एक एंग्लो ट्राइब था, एंग्लो, दूसरा सैक्सन था और तीसरा जूट्स था। ये तीन कबीले थी, कौमें थी। इन लोगों ने रोमन्स पे, ग्रेट ब्रिटेन पे हमला किया। कब? 428 AD में, मतलब 420-30 साल के बाद इन लोगों ने फिर कब्जा किया। 400 साल ये रोमन्स के साथ रहे हैं, तो 400 साल में कितने नस्लें आई होंगी और इन जुबानों का क्या अचार बना होगा? तीन जुबानें पहले से थी, केल्ट्स थे, स्कॉटिश लैंग्वेज थी, वेलिश लैंग्वेज थी, फिर रोमन लैंग्वेज आ गई। तो मिक्सर तो होता है ना, अदूर भी ना सब ऐसे जोड़ दी, सुख की पख्तो वही, सुख इंग्लिश वही, सुख की सवाई। और अब अगर ये तीन लैंग्वेजेस और आ गए तो कितने लैंग्वेजेस हुए? तीन लैंग्वेजेस ये हुए हमारे पास, टोटल बने 7 लैंग्वेजेस। 455 कहा जाता है कि इससे ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज की शुरुआत होती है। ठीक शुभ जी? तो अगर ये बिजनेसेस के थ्रू थे, जो कि नहीं थे, दे वर फाइटिंग विद ईच अदर, अगर ये वार के थ्रू थे, तीन चार पांच बंदे, आप तुर्की से हैं, आप मलेशिया से हैं, मैं पख्तूनियमा तो पंजाबे तो बलोचे, तो अगर हम एक एरिया में रहेंगे तो एक दूसरे को समझना तो होगा ना। तो हम एक दूसरे के लैंग्वेज से ऐसे वर्ड्स लेंगे जो सबके लिए कॉमन हो या समझने के काबिल हो। दास है ना? आपके लैंग्वेज मेरे इनके जब मिक्सर हो जाएंगे, इससे एक नई लैंग्वेज बन जाएगी। तो अंग्रेजी इज दस लाइक दैट, बेसिक समझ गए? अब जो लैंग्वेज स्टार्ट में सिर्फ बिजनेस या वॉर के थ्रू बोली जाती है, उसको हम क्रियोल कहते हैं, CREOLE। समझ गए? ये बस उधर से अल्फाज आ गए, इधर से अल्फाज आ गए। ये वो जुबान है जो स्टार्ट में सिर्फ सांस लेना शुरू कर दिया। मुंगवरता लैंग्वेज हम नवायु, मुंगवरता लैंग्वेज नवायु, वी नॉट कॉलिंग इट इन इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि हमने बलोची सराय की वगैरह से मिक्स वर्ड्स लिए हैं, ये सिर्फ योबल पोयाऊ। और फिर जब ये लैंग्वेज बोलने में आ गई और इतनी लैंग्वेज बन गई कि इसमें आप बंदे को अच्छी तरह से समझा सकते हैं, फुल ना, अंग्रेजी अभी तक फुल फॉर्म में नहीं है, अभी तक उसमें इधर उधर से वर्ड्स आते हैं, ठीक था? तो उसको हम फिर पिजन कहते हैं, कबूतर वाला नहीं, ये वाला पिजन, इट्स अ लिंग्विस्टिक टर्म। जब जुबान स्टार्ट हो जाती है उसको हम क्रियोल कहते हैं। जब वो एक अ काइंड ऑफ कुछ परसेंट, 40-50-60% बन जाती है, उसमें आप किसी बंदे को समझा सकते हैं और एक ग्रुप ऑफ पीपल उसको बोलने लगते हैं, उसको फिर हम क्या कहते हैं? तो अंग्रेजी भी इसी तरह है। सही है? फिर इसमें एक और कौम एड होता है जो कि 710 AD के बाद है, जिसको हम वाइकिंग्स कहते हैं। अगर आप लोगों ने वो सीरीज देखी है अंग्रेजों की, कुल्हाड़ियों वाले, जर्मनी और नॉर्वे के साइड से ये कौम आ गई, उन लोगों ने फिर इंग्लैंड पे कब्जा कर दिया। 40-50-60 साल ये रहे थे उधर। फिर 1066 में इधर से लेके इधर तक ये हमारे पास कौन सा पीरियड है? ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज का।
1066 में फ्रांस या फ्रेंच के लोग इंग्लैंड पे काबिज हो गए। ये 9वां या 10वां कौम है। तो फिर फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो ग्रेट ब्रिटेन की कौमी जुबान बन गई। समझ गए? अंग्रेजी थी लेकिन लोग उसमें लिखते भी थे, बहुत सारे शुरा और कुछ फीमेल जिसमें कुछ और लिटरेचर प्रोड्यूस कर चुके हैं, लेकिन ग्रामर मैमर का कोई कंसेप्ट नहीं था। जो मैंने तीसरी चीज लिखी थी वो क्या थी? लिंग्विस्टिक्स। मैंने लैंग्वेज लिखा, लिटरेचर, उसके बाद थर्ड क्या था? उसका ये नहीं था कि बस जुबान जोड़ छे वकालाना स्टार्ट थे एंड वी शुड टॉक अबाउट द ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज, क्योंकि इतनी ज्यादा फेमस और मजबूत सेहतमंद लैंग्वेज नहीं थी कि उसको लोग पढ़े और उसको सेंटेंस या उसके कोड्स बनाए और दूसरों को सिखाए। बस सिर्फ जरूरत के वक्त या तहत, यस यस, अगर जरूरत पड़ी तो अंग्रेजों में। बाकी कौमी जुबान जिस तरह हमारी उर्दू है, आप पंजाब जाएंगे तो आपको अगर पठान भी मिलेगा तो एहतियाती तौर पे आप उर्दू बोलेंगे, पंजाबी नहीं, बलोचे नहीं। समझ गए? अच्छा, तो फ्रांस आ गया 1066 के बाद। जो अंग्रेजी के हालात थे, जो इसमें लिटरेचर शुरू हुआ, इस दौर का जो लिटरेचर है उसमें कुछ प्रोज है, कुछ शायरी है, कुछ पोइम्स है, द वाइव्स वंडरर है, बी वोल्फ, इस तरह के जंगों पे पोइम्स लिखे गए हैं अंग्रेजी में, लेकिन उसमें कम कम लाइंस है, किसी में 70 लाइंस फाइंड आउट गए हैं, जले है, खत्म है, राख है, कोई किसी और एक एरिया से मिला है, कोई किसी दूसरे एरिया से मिला है पोइम्स वगैरह। इसके बाद जो लैंग्वेज स्टार्ट होती है उसको हम मिडल इंग्लिश लैंग्वेज कहते हैं। सही था? 1558 तक ये हमारे साथ मिडल इंग्लिश लैंग्वेज है। इसमें जो ड्रामास, नॉवल्स तो नहीं, ड्रामास, पोइट्री या दूसरे हिस्टोरिकल बुक्स वगैरह लिखे गए हैं उसको हम कहते हैं मिडल इंग्लिश लिटरेचर। जो अदब इसमें प्रोड्यूस हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? मिडल इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि ये मिडल इंग्लिश में फाइंड आउट कही थी। अगर आप लोग गूगल में जाते हैं, उधर फाइंड आउट करते हैं, किसी वर्ड को देखते हैं, हु के नीचे उसके स्पीकर होगा, गूगल में उसके नीचे छोटा सा ओरिजिन लिखा होगा। ओरिजिन को आप लोग जब क्लिक करते हैं तो आपसे कहेंगे कि ये मिडल इंग्लिश का है, ये ओल्ड इंग्लिश का है, ये लेटन से आया है, ये इस लैंग्वेज से आया है, ये उस लैंग्वेज से आया है। तो उस ओरिजिन में जब आप जाते हैं, बहुत सारे वर्ड्स इधर से आए हैं, बहुत सारे वर्ड्स, जाहिर सी बात है, अक्सरियत के जो वर्ड्स थे, जो सेंटेंसेस थे, वो तो इधर बने थे, लेकिन इधर भी काम हुआ था। इस एज के बाद फिर शेक्सपियर दौर शुरू हो जाता है। इधर से लेके अभी तक हम मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज में जी रहे हैं, लेकिन इसमें भी स्टेप्स है। जो आप विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ते हैं, लॉस जो आप लोगों के पेपर में आया था, सबने गलत किया था, ये लॉस सॉलिटरी रीपर में, उसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। 1800 में जो पोइम्स लिखे गए हैं वो तो मॉडर्न इंग्लिश है ना, लेकिन उसके वर्ड्स और आज के कंटेम्प्रेरी एज की जो लैंग्वेज है उसके वर्ड्स में फर्क है। अब फ्रेंच भी इसमें ज्यादातर आ गया। जब आप लोग फ्रेंच का इस्तेमाल देखते हैं अंग्रेजी में तो कहते हैं कि मॉडर्न इंग्लिश में या मिडल इंग्लिश में 70% से ज्यादा फ्रेंच मिक्सअप हुई है। तो उसके बाद फिर आप लोगों के साथ अंग्रेजी निकल आती है 1558 के बाद। अभी तक जो इसमें और जो स्टेजेस है, फिर हाउ डू दे स्प्रेड द लैंग्वेज, लैंग्वेज स्प्रेड कैसे हुई पूरी अंग्रेजी, या जो कल्चर है, या कोर्ट का सिस्टम, या थ्री पीस का सिस्टम, या अदालत का सिस्टम। कल्चर जिस तरह हमने बात की, लैंग्वेज जिस तरह हमने बात की, लोग तो इधर उधर गए होंगे, लोगों से तो लोग इंस्पायर नहीं होते, लेकिन कल्चर से हुए और उसके लैंग्वेज से हुए, ये कैसे हुए? तो जब क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट, एलिजाबेथ द सेकंड अभी मरी थी, क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट 1558 में क्वीन बनी और 1603 में ये इसका डेथ हो गया। सही था? इस एज में इन्होंने, और इससे पहले स्पेन के लोगों ने अमेरिका को फाइंड आउट किया था, कोलंबस, क्या नाम था उसका, एलिजाबेथ ने, शी स्टार्टेड के हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। इस एज को हम रेनेसा एज कहते हैं, इस एज को रेनेसा एज कहते हैं। इस एज में अंग्रेज थॉट, आजकल जो हमारे हालात है वो तब अंग्रेजों के थे, आज से 500 साल पहले इंग्लैंड के अंग्रेजों के। आजकल आप लोग उलमाए किराम का मजाक उड़ाते हैं ना सोशल मीडिया वगैरह पे, तब इन लोगों ने 500 साल पहले अपने पॉप्स का, फादर्स का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। आजकल आप मजहब के नाम से धोखा नहीं खाते, 500 साल पहले इन लोगों ने कहा था कि ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं। आजकल आप लोग ये कुछ पॉजिटिव
फैक्ट्स है और कुछ नेगेटिव है। पॉजिटिव कि अगर मौलाना है या मुला है तो वो गलती नहीं करेगा, गुनाह नहीं करेगा, जो कहेगा वो ठीक है, अगर वो तावीज देगा तो ये जन्नती है, मैं जहन्नमी हूँ। ये भी एक कंसेप्ट है ना, लेकिन लोग अब एक्सेप्ट करने लगे हैं कि वो भी इंसान है, सिर्फ किताबें पढ़ी है, मैं भी इंसान हूँ नहीं पढ़ी है, या उनके साथ एक डिग्री है मेरे पास नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैट्रिक कर चुके हैं, एफएससी कर चुके हैं, इंसानियत नहीं है। ड्राइवर्स है, रिक्शे चलाते हैं, मैकेनिक्स है, डिग्री नहीं है, लेकिन इंसानियत है। सो इट डिपेंड्स ऑन द तक्वा ना, जिस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया है या हुजूर सल्लम ने लास्ट सरमन में फरमाया है। समझ गए अकमल? एक्सप्लोरेशन हुआ कि हमने रिलीजन को एक साइड पर रखना है, बस दार शरीफ पर खबर दे, बदा खबर है एक्सेप्ट के बस के सड़े मुंज ना कहीं बाढ़ में जाए, लेकिन दुनिया का काम करे, दूसरों का हुकुकुल्लाह हुकुकुल इबाद का ना बाज इन खलक हुआ जमुन को शांत अल्लाह का बस अखलाक ठीक सा था, अल्लाह ताला मुंज माफ कही। लेकिन उलमाए किराम या जो ऑर्थोडॉक्स लोग होते हैं वो बहुत सारे ऐसे लोग, मतलब आपके साथ उसके अखलाक बिल्कुल खराब होंगे, तो जुमात की वसरा झगड़ा कही हो अजान वसर नशे का बोले ही विल रिसाइट ही विल अनाउंस अजान बाबा कही का ना तो कैसे सवाब डेर दे कस्ता लड़का कोई खपलकार कवा। इस तरह के होते हैं ना लोग। तो इन लोगों ने पुर्तगाल गए, फिर ब्राजील गए, फिलिपीन के इलाकों पे कब्जा किया। 1700 के बाद फिर जॉर्ज मोर्च का जमाना था, ये तो मर गई थी, उसके बाद ये हिंदुस्तान आ गए। तो इसी तरह पूरी दुनिया में अंग्रेज लोग फैलते गए, साइंस को ये एक्सेप्ट कर गए, रियलिज्म पे काम कर गए कि रिलीजन इज जस्ट एन आइडिया, लगा वेयर इज गॉड नऊजु बिल्ला दे से نوغوایی چه دمر دبیا تیزم ایدیاز رازی مخ کے تاسو چه انگلیش سٹوڈنٹ بسو در کے نہیں چه بیا کلا بی ایس ایم ایس یا ماسٹر تلار چه نو اکثر خلق وای چه مڑا بش ست خکاری و سغدی چه سنشتہ بس اس دو کدا سو دین دے سے تیزم اس سے اس کے مرگ نہ پاج جو دن منجون نشتا دے بس اگر اپ مر گئے تو بس اپ کی ہڈیا بڑیا ہوگی باقی اپ کی روح وغیرہ ختم ہوگی 1400 1500 1600 اس ایج میں جب 1600 میں انگریز ادھر گئے انگریز इंग्लिश पीपल तो उधर रेड इंडियन रहते थे तसो बाजनी फिल्म ना कतली जान ने का हम बताओ खड़ी विदा पाने माने उस रखालू ना उस सिस्टी ने करखे वाली बिल्कुल जानवर थे उधर के जो बेसिक लोग थे। तो इंग्लिश लोगों ने कहा कि ये तो जानवर है, हम लोग इनको इंसानियत सिखाएंगे। हालांकि दे वर थिंकिंग टू कैप्चर द एरिया, के इलाके पे कब्जा करें, खूबसूरत एरिया था, बहुत दूर था, इसमें पानी ये है, जंगलात ये है, गिदड़ानों बस खड़ी हुए, गिदड़ानों साहब सिर्फ स्टीक हुई ना बस गिर खड़े हुए ले हुए, अदरवाइज दे वुडंट हैव एनीथिंग। तो उन लोगों ने इस पर इस तरह कब्जा किया था। अब जो अंग्रेज उधर गए थे, इधर से आपके कुछ लोग बच्चे दूसरे रूम में गए, फिर वो उधर पलते गए, उनके बच्चे पैदा हुए, बच्चे पैदा हुए, बच्चे पैदा हुए, तो ये इधर इज अ बिग गैप, 100 साल गुजर गए फॉर एग्जाम्पल। तो क्या आपके जो रिश्तेदार है वो आपकी बात फिर मानेंगे? आप इधर इंग्लैंड से उसी इशारे पे नचवा रहे हैं, वो कहेंगे जो अलका मुंह सरार से शतरे। तो फिर लड़ाई हुई 1776 में, उन लोगों ने इंडिपेंडेंस आजादी हासिल की इंग्लिश लोगों से, अमेरिका ने 1776 में इंग्लिश के लोगों से आजादी हासिल की, उसके बाद वो अमेरिका बनी। तो जो चीज इधर लोग लिखते थे, क्योंकि मेन है ना, अब अगर हम रिवोल्यूशनाइज हो जाएंगे या बगावत शुरू करेंगे पंजाब या पाकिस्तान के साथ, नुमुंग बदागेना शाता पाती की गुखा मखा کی دیشی کرا نہ میرے کا جوڑا شی منگڑا ترا کیوں گو پختانا خوش تر کما پرے دے دے تر انڈر لاند دے بوے او سائیکولوجیکلی بتا دے نا 50 60 100 سال رستو چلے گی زکا چھ دے سرا ہر سدی تعلیم دے دوی پختے زمنگ نا باہر او بزنس کے اوپر سکے اوپر سکے اوپر سکے سو اپ اسے اگر فالو کریں گے رومانٹک ایج ادھر اس میں آتا ہے اور ائی تھنک امریکہ میں 1850 کے بعد شروع ہو جاتا ہے